हैप्पी हमेशा रहती हूँ मैं. बट हाँ, टुडे इज रियली स्पेशल इन मोर देन वन वेज. एक तो बिकॉज ऑफ दिस सूरमा दैट वी हैव फाइनली क्रॉस द सक्सेस लाइन नाउ. एंड देन ऑफकोर्स फॉर बर्थडे वीक अच्छा जा रहा है. हाँ, ये वाला बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है. मतलब इतना अच्छा हो गया, सिर्फ 3 घंटे सोई थी मैं. अनाउंसमेंट किसको हो गया? अच्छा हाँ हाँ हाँ, बहुत बिजी थी मैं यार. मैंने बहुत मेहनत करी है. आई वर्क रियली हार्ड टू लास्ट से एक साल. तो अब वो रिलीज होंगी ना पिक्चर, तो अच्छा लग रहा है. थैंक गॉड कि सब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबको. तो इतना वो कॉन्फिडेंस आता है कि मे बी मतलब जो मैं चूज कर रही हूँ वो अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं. हैट्रिक होना अभी बाकी है. अभी मन मर्जिया के बाद आई होपफुली वो हैट्रिक मनाएंगे. तो सूरमा से स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक कहते हैं ना, गुड स्टार्ट इज हाफ जॉब डन. सो गुड दैट इट स्टार्टेड विद सच अ स्पेशल फिल्म. फिर मुल्क अब तो चालू हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाती है. एंड उसके बाद मनमर्जी आएगी, तब आप लोग बताना वो कैसी लगी. तो अभी तक साल अच्छा जा रहा है मेरा. मतलब हैप्पी बर्थडे के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर भी मनाऊंगी मैं इस साल अच्छा सा. कौन सी जर्नी? सूरमा की जर्नी. सूरमा की जर्नी एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तभी पता था कि बहुत अच्छी स्टोरी है हमारे पास. बहुत अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे थे, बहुत अच्छे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस. तो एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना कि प्रोडक्ट तो हम अच्छा बना लेंगे. नाउ लेट्स लीव इट टू द ऑडियंस कि वो कितनी खुशी से एक्सेप्ट करती है. तो कहते हैं ना, एक टोटो है, स्लो एंड स्टडी. तो उस तरीके से द वे द फिल्म पिक्ड अप, आई मीन आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. हमने सोच के नहीं बनाया था कि कितने हम बॉक्स ऑफिस में क्या नंबर आएगा एंड ऑल दैट. वो कोई टारगेट नहीं होता है. इतना पता होता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए. इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ हिट. इट शुड मेक मनी एट द बॉक्स ऑफिस एंड इवेंचुअली थैंक गॉड इट डिड. सो आई थिंक टुडे दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग. एक्चुअली मुल्क के लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि अभी सीप इन होना बाकी है. अभी मतलब इतने ज़बरदस्त रिव्यूज, मेरे को लगता है कि पिंक के बाद इस तरीके का रिस्पॉन्स आया है यूनानिमसली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विद फिल्म क्रिटिक्स. अब जनता की बारी है. आई मीन सो फार द पब्लिक रिस्पॉन्स दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल हु आर वॉकिंग आउट ऑफ द थिएटर इज ट्रिमेंडसली गुड. सो जस्ट लेट्स होप दिस इज अ वर्ड ऑफ माउथ फिल्म. देखते हैं, आप लोग भी देखी है तो प्लीज़ लोगों को बोलो अगर अच्छी लगी है तो. एंड लेट्स होप दैट ऑल्सो उसकी सक्सेस पार्टी भी मनाऊँ मैं. ऑफकोर्स कंसर्न होता है फॉर द प्रोड्यूसर दैट दे वॉन्ट बी एबल टू मेक द मनी दैट दे कुड हैव. एंड फॉर आई फील सैड दैट गुड कॉन्टेंट विल नॉट रीच देयर. सो आई फील सैड फॉर देम. तुम्हारा केस लड़ूंगी मैं सुमित, तुम बोलो. तुम्हारा केस पक्का लड़ूंगी. मतलब मेरा चूज करने के टाइम पे जब पिक्चर चूज करी थी, लोगों ने इसलिए बोला था नहीं करने के लिए क्योंकि उनको लगता था शायद जुड़वा 2 के बाद दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू डू अ फिल्म विच इज गोइंग टू बी सो हार्ड हिटिंग, विच विल नॉट हैव द टिपिकल डांसिंग और यू नो दोज टिपिकल कमर्शियल क्राइटेरिया जो होते हैं. तो काफ़ी लोगों ने सोचा था नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक मेरे पास एक पिक्चर थी जिसने हम सबको गलत प्रूव किया था 2 साल पहले, पिंक. तो आई थिंक मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर वो चल सकती है तो ये भी चल सकती है. सो लेट्स होप दिस ऑल्सो वर्क्स.